वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज आया हूँ मैं यहाँ के टाकल घाट में। देख सकते हैं किस तरह से यहाँ का माहौल आपको दिखाई दे रहा है। और आज जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ सैटरडे का दिन है और ज़्यादा भीड़ आपको यहाँ पर जो है नहीं दिखाई देंगी। तो चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ से। इससे पहले मेरा जो वीडियो है यहाँ पर बन चुका है और बहुत सारे लोगों ने बोला था कि कुछ नया पार्ट वगैरह बनाइए। तो जैसे कि टाकल घाट में ज़्यादा भीड़ तो ये टाइम पर रहती नहीं है, फिर भी आज का वीडियो है यहाँ पर हमारा जो है बन रहा है। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या क्या यहाँ पर होने वाला है। तो अंदर चलते हैं। पर आप देख सकते हैं यहाँ पर पाव वगैरह धोने के लिए पानी है और ये पीने का ही पानी है, देख सकते हैं। और यहाँ आपको टाकल घाट दिखाई देगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ से अंदर चलते हैं। इस साइड में आप देखोगे ये एक छोटा सा आपको यहाँ पर जो है बुद्ध विहार यहाँ पर दिखाई देगा, ये भी बहुत अच्छा है। और गार्डन एरिया कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि आज जैसे बताया मैंने शनिवार का दिन है, वैसे मंडे के दिन ज़्यादा यहाँ पर भीड़ रहती है और कुछ इस तरह से माहौल यहाँ का है। यहाँ पर लिखा है आज जाने का मार्ग, तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा अंदर जाने का रास्ता कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। चलिए हम लोग चलते हैं। यहाँ पे काम वगैरह चल रहा है शायद टाइल्स वगैरह का, और इस तरह से यहाँ पर ये जो है माहौल यहाँ का दिखाई दे रहा है। चलिए चलते हैं हम लोग। अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पर दो रास्ते दिखाई देंगे, एक पुरुष के लिए और एक महिला के लिए, ये देख लीजिए यहाँ पर। और अभी मेरे ख्याल से आरती का टाइम 11 बजे का यहाँ पर रखा गया है। बस यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं, ये देख लीजिए पहुँच चुके हैं यहाँ पर। इधर में इनका एक ऑफिस दिखाई देगा जहाँ पे दान वगैरह किया जाता है, ये देख लीजिए इस साइड में है, यहाँ पे दान वगैरह कर सकते हैं। और यहाँ से अभी हम लोग अंदर चलते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो है पूजा पाठ हो चुकी है, ये देख सकते हैं। अभी हम लोग यहाँ से आगे जा रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ अभी थोड़ी सी सीन इधर की। यहाँ पर ज़्यादा यानी अलाउ नहीं है, फिर भी जो लोग दान वगैरह करते हैं वो यहाँ पर जो है अपना दान देके जाते हैं, देख सकते हैं। तेल है, पोहा है, गेहूँ चावल सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। बहुत बढ़िया यहाँ का एटमॉस्फेयर लग रहा है और बहुत अच्छा है ना, सुकून प्राप्त हो रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे, ये देख लीजिए पूरा। तो हम लोग चलते हैं आगे में और मैं आपको आगे से थोड़ा एक सीन दिखा देता हूँ। जो है ये जो मूर्ति है कुछ इस तरह से यहाँ पर दिखाई देती है, देख सकते हैं यहाँ पर पूरा बहुत बढ़िया यहाँ पर लग रही है। तो जिस बुद्ध विहार की मैंने बात किया था वो देख सकते हैं यहाँ पर बन रहा है, गुबंद वगैरह जो है काम यहाँ पर चालू है, देख सकते हैं यहाँ पर पूरा। तो अभी जो है बाहर यहाँ से निकल रहे हैं, ये कार्यालय वगैरह आपको यहाँ पर जो है दिखाई देगा, ये देख लीजिए यहाँ से। और बाहर जाने का रास्ता कुछ इस तरह से है। तो चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ से। और बाहर का नज़ारा देख लीजिए किस तरह से दिखाई दे रहा है, पूरा खाली दिखाई दे रहा है। जैसे बताया सैटरडे का दिन है, मंडे के दिन काफ़ी यहाँ पर भीड़ रहती है। फ्रंट ये देख लीजिए, ये जो है बाहर निकलने का जो रास्ता है इस तरह से है। और अभी हम लोग जा रहे हैं ये जो पूजा पाठ का जो है, यहाँ से हम लोग हवन कुंड के तरफ जा रहे हैं। इधर लिखा है पूजा स्थड़ा कड़े जाने का मार्ग, चलिए चलते यहाँ से। तो ये देख लीजिए पूजा अर्पण स्थल के नाम से जाना जाता है ये। यहाँ पर जो है अगरबत्ती वगैरह जलाई जाती है, नारियल वगैरह फोड़ा जाता है। चलिए देखते रहते हैं हम लोग, हमारे पास भी यहाँ पे नारियल वगैरह रखा है, थोड़ा बताइए इधर, ये देख लीजिए ये हम लोग अभी फोड़ने वाले हैं। चलो चलिए चलते हैं। यहाँ पर हल्की फुल्की पूजा यहाँ पर हो चुकी है, चलिए हम लोग चलते हैं अभी बाहर। ये जो यहाँ पर पोर्शन दिखाई दे रहा है भोजन कक्ष के नाम से जाना जाता है, बहुत सारे लोगों का खाना वगैरह यहाँ पर बनता है और बहुत सारे लोग खाना खा सकते हैं, इतना बढ़िया यहाँ पर बना हुआ है। और ये जो है बाहर जाने का मार्ग दिखाई दे रहा है, चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ पर। ये कार्यालय निवास है यात्री लोगों का, रुकने वगैरह की व्यवस्था यहाँ पर शायद है। तो ये कुछ शॉप्स यहाँ पर दिखाई देंगी आपको यहाँ। जो शॉप है यहाँ से हमने हार फूल अभी लिए थे, ये देख लीजिए 50 रुपये का सिंगल हार यहाँ पर मिलता है, ये देख लीजिए बोलो। तो आपको जो ये बुद्ध विहार दिखाई दे रहा है जो अभी मैंने बताया आपको, तो वहीं पे अभी हम लोग जा रहे हैं, थोड़ा मिस हो गए थे
यानी कि उधर से हम लोग आ गए, अभी फिर से मैं एंटर कर रहा हूँ यहाँ पर। ये देख लीजिए एंटर है और कुछ इस तरह से यहाँ पर बनाए दे रहा है यहाँ पर। बुद्ध जी की प्रतिमा आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर और काफ़ी बड़ी यहाँ पर जो है दिखाई देंगे आपको। ये देख लीजिए पूरा अच्छा दिख रहा है पूरा, ये एकदम शांत लग रहा है यहाँ पर। देख सकते हैं कि हम लोग आए हैं यहाँ पर, ये देख लीजिए किशनदास बाबा के नाम से जाने जाते हैं इनके जो भक्त थे टकलाट वाले बाबा के, तो उनके दरबार में जा रहे हैं, यही से रास्ता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, मैं आपको आगे का बताता हूँ। तो आगे हम लोग इस दरबार में देख सकते हैं, ऊपर में आपको पूरा दिखाई देगा, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और काफ़ी बड़ा यहाँ पर दिखाई देगा। तो चलिए यहाँ से हम लोग अभी अंदर चलते हैं और कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको जो दिखाई देगा। तो देख सकते हैं एक तरह का आपको एक गांव पूरा दिखाई देगा। ये देखिए फ्रंट रास्ता आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ सब लोग जो है अपना नारियल वगैरह फोड़ रहे हैं और कुछ इस तरह से है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं पाँव वगैरह धोने का कोई है क्या यहाँ पर, तो पीछे में एक रास्ता है उधर ही हम लोग जाते हैं अभी। तो ये है किशनदास जी बाबा की जो है मज़ार, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये यहाँ पर मूर्तियाँ वगैरह रखी हुई है, कुछ इस तरह से यहाँ का नज़ारा दिखाई देगा। ये देख लीजिए पूरा बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो ये जो स्थान है कुछ इस तरह से यहाँ पर दिखाई देगा और यहाँ पर जो है सब अगरबत्ती वगैरह जलाने का है। फाइनली यहाँ पर अपना जो वीडियो है यहाँ पर मैं खत्म करता हूँ। आपको आज का वीडियो कैसे लगा इसमें कमेंट करके जो बताना, साथ में अपना जो चैनल है इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। नागपुर के ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो बनते रहेंगे जो कि मैं धीरे धीरे बनाते जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच दोस्तों।